अभी वाले लेक्चर में हमने ये देखना है कि हम पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर प्रोटोटाइप्स किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट की स्लाइड को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए यूज करने का बेसिक पर्पज ये होता है कि हमारे पास पावर पॉइंट स्लाइड्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एडेड होता है हमारे सिस्टम के अंदर, तो हमें कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर खुद से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। और पावर पॉइंट स्लाइड्स में बहुत सारे फीचर्स और फंक्शंस ऐसे हैं जो कि हम ऑफ एंड ऑन यूज करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजों का हमें इसके अंदर ऑलरेडी पता है। तो हम एप्लीकेशन जो बना रहे हैं वो छोटी सी एप्लीकेशन है। इस छोटी सी एप्लीकेशन में हम ये करेंगे कि हमारे पास जो हमारा कोर्स है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का, इससे रिलेटेड हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे हमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से रिलेटेड जितना भी मटीरियल है वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे हमारे पास वीडियोस होती हैं, हमारे पास नोट्स होते हैं, हमारे पास स्ट्रीम्स के लिंक्स होते हैं, आपको टीचर के साथ कॉन्टैक्ट करना होता है, तो ये सारी की सारी चीजें हम एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है उस एप्लीकेशन में हमारे पास सबसे पहले हम इसके अंदर हेडर ऐड करेंगे और उस हेडर में हम अपनी चीजें स्पेसिफाई करेंगे कि ये हमारे पास एप्लीकेशन किस चीज से रिलेटेड है। तो हेडर के लिए आप शेप्स में जाके और यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास ये रेक्टेंगल्स की भी बहुत सारी शेप्स आ रही है, इसमें से जिस भी शेप का आप हेडर इंक्लूड करना चाहें, आपके पास और भी ऑप्शन हैं, आप इसमें से जो भी ऑप्शन चूज करना चाहें हेडर के लिए आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपल रेक्टेंगल लेंगे और आपके पास अपर साइड पे इस तरह से आप अपना हेडर बना देंगे। आप हेडर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इसका कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस हेडर के ऊपर हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम ये बताएंगे कि हमारे पास ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन किस चीज से रिलेटेड है। तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, ताकि ये आपके पास इस के ऊपर विजिबल हो जाए। जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, हमारे पास नेगेटिव कंट्रास्ट होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव कंट्रास्ट होते हैं, तो आपको नेगेटिव कंट्रास्ट जो होता है ना वो चाहिए होता है। अगर आप इस टेक्स्ट को व्हाइट के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे तो ये आपके पास ज्यादा विजिबली डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, हमारे पास सेम यही वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम कॉपी कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पे इस साइड पे लाके पेस्ट कर रहे हैं। आप नया टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम ये बताएंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से पेजेस हैं, हम इंफॉर्मेशन कौन कौन सी दे रहे हैं। हमारे पास होम का पेज होगा, हमारे पास वीडियोस होंगे, हमारे पास नोट्स का पेज होगा और हमारे पास कॉन्टेक्ट्स का पेज होगा। ये आपके पास जो पेजेस हैं ये आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, ये आपके पास वो वाले पेजेस आ गए जो आप डिस्प्ले करवाएंगे होम पेज के साथ साथ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। आपका जो होम पेज है ना, ये फ्रंट वाला, ये आपका होम पेज होगा। तो इस होम पेज के ऊपर हमने इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं या हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। तो आपके पास इंसर्ट में ऑप्शन है पिक्चर की, और इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं या आप अपनी डिवाइस से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी इंटरनेट मेरा नहीं चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे अभी ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट नहीं होगी, वरना आपको सिंपली ऑनलाइन पिक्चर्स के ऊपर जाना होता है। आप वहां पे अपना स्पेसिफिक जो भी पिक्चर आपने सर्च करना होता है उसका कीवर्ड आप देते हैं और आपका जो ब्राउजर होता है वो आपको ब्राउज करके सारी की सारी पिक्चर्स डिस्प्ले करवा देता है। अभी हम डिवाइस से इंक्लूड करवा लेते हैं कि हमारी जो डिवाइस है जहाँ पे हमारा कंप्यूटर है अपना, इससे अगर हमने कोई भी इमेज डिस्प्ले करवाना है तो वो डिस्प्ले यहाँ पे हो जाएगा। आपने इमेजेस यहाँ से ब्राउज करना है, आप इमेजेस ब्राउज करके कोई भी स्पेसिफिक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो भी इमेज आपने सेलेक्ट किया था वो इमेज यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर
सही से फिक्स हो जाए। अब इसमें आपके पास लाइंस नजर आ रही होंगी, जैसे जैसे आप पिक्चर को मूव करते हैं तो आपके पास लाइंस नजर आना शुरू हो जाती है, या आपको बता रहे होते हैं कि आपकी जो पिक्चर है वो विद रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन कहाँ पे प्लेस होगी। तो अभी ये बिल्कुल सेंटर में पिक्चर है तो हम यहाँ पे इसको सेंटर में प्लेस कर लेते हैं, या बस पिक्चर आके है। पिक्चर के साथ आपने देखा होगा कि आपके पास ना नीचे स्मॉल सर्कल्स होते हैं, वो सर्कल्स आपको ये बता रहे होते हैं कि आपने मल्टीपल इमेजेस कितने डिस्प्ले करवाए हुए हैं। तो आपके पास ये बेसिक शेप्स हैं, आप यहाँ से इस ओवल को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ओवल यहाँ पे लाके आप इस तरह से इसे एक सर्कल बना सकते हैं। ये सर्कल आपके पास ऑप्शन होती है कि इस सर्कल को अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से आई ड्रॉपर लें और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए वो वाला कलर आप इसके अंदर कर सकते हैं। यही सेम कलर हम इसकी आउटलाइन के लिए भी दे देते हैं, तो ये हमारे पास आउटलाइन का कलर आ गया। आप इसी को यहाँ से कॉपी कर लें, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन पे अगर आपने 5 इमेजेस डिस्प्ले करवाए हुए हैं तो वो 5 इमेजेस आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। 5 बटन्स जो आप यहाँ पे, ये आपके पास सर्कल्स नजर आ रहे होंगे 5, इन 5 सर्कल्स में आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट भी करवा सकते हैं, जैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं इवनली, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा जी, ये जो आपके पास होते हैं सर्कल्स, इन सर्कल्स में से आपके पास सिर्फ एक फिल्ड सर्कल होता है, वो फिल्ड सर्कल जो होता है ना उस, वो सिर्फ वो वाला फिल्ड सर्कल होता है जो आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है इमेज इस तरह से। जैसे ये आपके पास फर्स्ट वाला इमेज डिस्प्ले हो रहा है तो फर्स्ट वाला सर्कल फिल्ड होगा, आप सेकंड स्क्रीन पर जाएंगे तो आपके पास सेकंड वाला फिल्ड हो जाएगा, एंड सो ऑन, आपके पास इतने भी इमेजेस हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो स्क्रीन है होम स्क्रीन, इस होम स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास ना साइड्स पर यहाँ पे एरोज भी होते हैं, तो हम शेप्स में जाके एरो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये आपके पास ब्लॉक एरोस है, इसमें से आप ये वाला एरो सिलेक्ट कर लें, वो एरो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये एरो आपने यहाँ से लगा लिया, इस एरो को भी सेम आप फॉर्मेट्स में जाके आपके पास जो शेप है आप उसमें से ये वाला कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप आउटलाइन के लिए भी सेम यही वाला कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करें, पेस्ट करें, इस साइड पर लेकर आए, इसके साथ इसको अलाइन करें, ये अलाइन हो गया, और आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं और ये आप फ्लिप कर लें। ये आपके पास स्क्रीन डिजाइन होती है वर्चुअली, होम स्क्रीन। नेक्स्ट वाली जो स्क्रीन है आपके पास, वो आप वीडियोस की डिजाइन कर सकते हैं। हम प्रोटोटाइप्स में पहले ये करते हैं कि सारी स्क्रीन्स डिजाइन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उनके दरम्यान में आपस में लिंकेजेस कनेक्ट करते हैं ताकि हमारी जो स्क्रीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। तो हम सिंपली इसी वाली स्क्रीन को कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, और इस वाली स्क्रीन को कॉपी करने का बेसिक पर्पस ये है कि हमारे पास जो हेडर है ना वो सेम रहे, हमें हेडर बार बार डिजाइन ना करना पड़े। अच्छा जी, अगर आपने यहाँ पे वीडियोस इंसर्ट करवानी होती है तो सेम वही, आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपके पास ये वीडियोस का ऑप्शन है। यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं या आप अपने पीसी से इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो हम पीसी इंसर्ट वाली ऑप्शन जो है उसको अभी चूज करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो वीडियोस आ रही हैं इन वीडियोस में से हम कोई भी स्पेसिफिक वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने ये वाली वीडियो इसके अंदर सिलेक्ट की है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे आपके पास ये मीडिया इंसर्ट हो रहा है, और इसमें जितने परसेंट इंसर्ट हो गया होता है ये आपकी स्टेटस बार आ रही होती है जो आपको बता रही होती है कि वीडियो इंसर्ट हो रही है। ये जो वीडियो है इसके साथ भी सेम आप यही कर सकते हैं, आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। आप अगर इसको प्ले करेंगे तो आपके पास जो एक्चुअल वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपकी एक्चुअल वीडियो प्ले हो रही होती है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी एक्चुअल वीडियो यहाँ पे एम्बेड होके प्ले होना स्टार्ट होती है। अच्छा जी, आप इसको प्लेस कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे भी आपने इसको प्लेस करवाना है। आप अपनी स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको प्लेस करवा दें। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होती है कि आप ना इसके फ्रेम्स चूज कर सकते हैं कि आपके पास फ्रेम कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे अगर आप ये वाला फ्रेम इसके ऊपर चूज करते हैं तो आपके पास जो लेआउट हो रहा होगा वो इस तरह से आ जाएगा। अगर आप ये वाला चूज करते हैं तो आपके पास फ्रेम्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसमें से कोई भी फ्रेम डिस्प्ले करवा सकते हैं। हमारे पास जो भी वीडियोज होती हैं जिनके हम
आउटर फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, ये जो आपके पास आउटर फ्रेम आ रहा है इसका, ये आउटर फ्रेम जो आपके पास वीडियो स्टाइल्स में होते हैं ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं टूल को यूज करके। लेकिन हो सकता है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो उस डेवलपमेंट टूल में आपके पास ये वाले ऑप्शन अवेलेबल ना हो कि आप उसके ये फ्रेम्स लगा सकें, तो दैट्स वाई हमारे पास जो कंफ्लिक्ट आ रहा होता है, जो यूजर्स आपकी प्रोटोटाइप देख के समझ रहे होते हैं कि आपके डिजाइन एज इट इज होंगे या नहीं होंगे, तो हो सकता है कुछ काम आप टूल्स में कर सकें लेकिन कुछ काम आप उन टूल्स में ना कर सकें जिन जिनको आप डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। जो टूल आप प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसमें कुछ फीचर्स और फंक्शंस ऐसे हो जो आपके पास जो डेवलपमेंट टूल है उसके अंदर ना हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये चीज आपके कस्टमर्स को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इसके अलावा आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आ रही है ट्रिम की, आपके पास स्टार्ट की ऑप्शन आ रही है, यानी कि आपको उसको स्टार्ट कैसे करना है। आप जब क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिकली होगी, या आपके पास सीक्वेंस में हो जाएगी। और इसके अलावा ट्रिम की ऑप्शन भी होती है, आप अपनी वीडियोस को ट्रिम कर सकते हैं, आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो आपके पास ये सारी सारी ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे कि हम जो डिजाइन कर रहे हैं ना, उस डिजाइन में हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाना है तो हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट बॉक्स लगा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं और फिर इस हेडिंग के साथ हम यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवा सकते हैं उसकी। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, सॉरी। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया डिस्प्ले करने का टेक्स्ट। यहाँ पे आप मजीद टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। I don't know उसको क्या प्रॉब्लम है। एनीवे आप यहाँ पे ये डिस्प्ले करवा दें, जैसे कि हमने यहाँ पे मजीद टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे बजाय इसके कि मैं सारा टेक्स्ट टाइप करूँ, हम यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवा सकते हैं। आप इस टेक्स्ट बॉक्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। आपने इसके बाहर अगर आउटर लाइन लगानी है तो आप इसको फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास शेप फिल आ जाएगी सारी, ये आपके पास फॉर्मेट्स आ रहे हैं, आपके पास स्टाइलिंग आ रही है, जैसे आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप इसके ऊपर क्या देना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे कोई शेप्स भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास ये वाली लाइन है तो लेट से हमने ये कहा कि हम यहाँ पे नीचे एक लाइन लगा रहे हैं, ये आपके पास लाइन आ गई। अच्छा जी, इसके अलावा जैसे आपके पास वीडियोस में सजेशंस आ रही होती है ना, कि आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, तो आप यहाँ से मजीद वीडियोस इंसर्ट करवा सकते हैं इसके अंदर। जैसे आपने ये वाली वीडियो इंसर्ट करवाई है तो यहाँ पे ये वाली वीडियो इंसर्ट हो जाएगी और आप उसको अपनी मर्जी से प्लेस कर सकते हैं कहीं पे भी। तो आप यहाँ पे रिकमेंडेशंस के लिए वो वीडियोस डिस्प्ले करवा रहे हैं, आप इसका स्मॉल कर लें साइज और जस्ट प्लेस इट हियर। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपके पास बाकी जगह है इसके ऊपर भी आप इसी तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यही वाली वीडियो यहाँ पे आपको इंसर्ट करवा देती हूँ। ये आपके पास वीडियो आ गई। ओके, ये सारी के सारे वीडियोस भी आप प्ले कर सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से आप यहाँ पे वीडियोस को प्ले कर रहे हैं। ये आपके पास जो लाइन है इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं इसको, इसको आपने इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कलर स्कीम जो यूज की हुई है वो ये वाली है, तो आप इसमें ये वाली कलर स्कीम यूज कर सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। आप डिजाइनिंग करके देख लें, आप इसमें चेंज कर सकते हैं।
ये आपके पास आ गया यहाँ पे, वीडियोस वाला आपने पेज डिजाइन कर लिया है। नेक्स्ट वाला जो आपके पास पेज है, वो तो पेज हम कहते हैं कि हमने डिजाइन करना है नोट्स का, तो आप सिंपली ये वाली चीजें यहाँ से रिमूव कर दें। ओके, देन आपके पास नोट्स अगर आपने इंसर्ट करवाना होता है ना, तो सेम आपको इंसर्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे आए, आप डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करवा लें और ये आपके पास ऑप्शन आ गया है कि आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या तो आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल्स हैं उनमें से आप कोई भी फाइल ब्राउज करके यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आप ब्राउज कर लें। ये आपने ब्राउज किए अपने नोट्स, आपके जहाँ पे हैं आप यहाँ पे कोई भी नोट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका पाथ आ रहा होगा, आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास ये वाली फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। आपकी फाइल्स इंसर्ट होके उसी तरह से डिस्प्ले हो रही होंगी, जिस तरह से आपकी फाइल्स ओरिजिनली होती है उसका जो कंटेंट होता है वो भी यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये आपके पास एक फाइल आ गई है, इस फाइल को भी आप सेम उसी तरह से रिसाइज कर सकते हैं, आप इसको प्लेस कर सकते हैं जहां पे भी आपने इसको प्लेस करना हो, आप मल्टीपल फाइल्स डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली जो ओरिजिनल फाइल है वो इस आपकी एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड हो गई और ये देखें कि आपके पास ये वाली फाइल ओपन हो जाती है। ये हमने पर्सोनास की फाइल इंसर्ट करवाई थी और ये फाइल हमारे पास पर्सोनास की ओपन होती है और आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और आप इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यही वाली सेम जो हमारे पास है हम इसी के साथ ही काम कर लेते हैं, हम नए नए इंसर्ट करवाते हैं अभी। ओके, लेट्स से कि ये आपके पास आ गई, आप इसके अंदर भी इसकी जो आउटर वॉल है, जो बाउंड्री है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से आउटलाइन सिलेक्ट कर लें कि आपने इसके अंदर आउटलाइन ये वाली देनी है, या आप ब्लैक आउटलाइन सिलेक्ट कर लें तो ये आपके पास आउटलाइन भी आ जाएगी। राइट, ये हमने आउटलाइन लगा दी। इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अगर आपको डिस्क्रिप्शन देनी है तो सेम आपको वही टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाना है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी लैब वन थी और ये आपकी लैब टू है, ये आपकी लैब थ्री है। आप यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे, आप इसे अलाइन करते हैं। ये आपके पास अलाइन होगी। अच्छा, ये आपने जो अलाइनमेंट्स किए हैं इसके साथ, आप इसमें ये कह सकते हैं कि ये आपके पास लैब टू है, आपके पास ये वाली लैब थ्री है, दैट्स इट। इसके अलावा आप नीचे बहुत सारे लिंक्स दे सकते हैं, आप इसको बैक करवा सकते हैं, आप यहाँ पे बटन इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे बटन इंसर्ट करवाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे शेप रख ले, कोई भी बटन की जो भी आपने शेप रखनी है आप यहाँ पे ये वाली शेप इंसर्ट करवा दें। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप कलर इसका चेंज कर लें, जैसे हमने अपने लेआउट में जो कलर रखे हुए हैं वो आप कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप इस बटन के ऊपर टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, आपको यहाँ पे इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाना होगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवा लें या आप इसके अंदर सिंपली टेक्स्ट टाइपिंग करना शुरू कर दें तो ये आपके पास एक बटन डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो बटन है ये हम दो बटन लगा लेते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ये जो बटन है इस बटन के ऊपर आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाना है। यहाँ पे इसमें हम लिख देते हैं कि हम यहाँ से बैक जा सकते हैं, और हम यहाँ से नेक्स्ट पे जा सकते हैं,
ये हमारे पास दो बटन आ गए। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको किसी और तरह से डिजाइन कर सकते हैं। हमने सेम यही वाला जो पेज है इसको कॉपी किया और हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्टेक्ट है हम उन कॉन्टेक्ट में यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाते हैं जिसमें हम ये लिख रहे हैं कि हमारे पास ये वाला जो कोर्स है ये हमारे पास है आप इसको अलाइनमेंट भी करवा सकते हैं यहाँ से, ये आपके पास अलाइनमेंट की ऑप्शन है तो ये आपके पास अलाइंड हो जाएगा। आप इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसमें चीजें इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये आपके पास टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट वाला जो टास्क है वो ये है कि हमने ना इन पेजेस को आपस में लिंक करवाना है। तो इसमें जो आपके पास ये होम वाला है ना, इसमें से आप होम पे जाके आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें ताकि आपको पता चले कि आप इस वाले होम वाले पेज या टैब के ऊपर हैं। ये आपका वीडियोस वाला था तो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं कि हम वीडियोस वाले पेज के ऊपर हैं। यहाँ पे आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स को बोल्ड करवा दें यहाँ से। नेक्स्ट आपके पास जो कोर्स वाला तो वो आपके पास कॉन्टेक्ट था तो आप इसको ओपन कर दें कॉन्टेक्ट को। राइट, हमारे पास ये वाली जो है ना इसके ऊपर हमने अब लिंक प्लेस करना है। तो आप क्या करें कि आप यहां से इसके अंदर सिलेक्ट करें, आप यहां से शेप्स में जाके रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और वो रेक्टेंगल आपने इसके ऊपर प्लेस कर देनी है इस तरह से। अब ये जो रेक्टेंगल है इस पे आपने लिंक इंसर्ट करना है तो आप हाइपर लिंक पे जाएंगे, आपके पास ये ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको किसी वेब पेज के साथ या एग्जिस्टिंग फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं, आप नया डॉक्यूमेंट के साथ इसको लिंक कर सकते हैं, आप इसी डॉक्यूमेंट में जो आपके पास स्लाइड्स है उनके साथ आप इसे लिंक कर सकते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट स्लाइड है उसके साथ लिंक कर दें, आपके पास जो लास्ट वाली स्लाइड है प्रेजेंटेशन की उसके साथ लिंक कर दें, आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्लाइड है उसे नेक्स्ट वाली स्लाइड से या प्रीवियस स्लाइड से आप इसे लिंक कर दें। तो ये आपके पास स्लाइड के टाइटल्स है तो हम ये कह रहे हैं कि होम पेज हमारे पास फर्स्ट वाली स्लाइड है तो हम फर्स्ट वाली स्लाइड के साथ इसे लिंक कर रहे हैं, आप इसे ओके कर दें। यही वाला लिंक जो है ना इसको हम वीडियोज के ऊपर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास एडिट लिंक की ऑप्शन आ रही होगी। अब जो सेकेंड वाला हमारे पास लिंक है वीडियोस का, उसे हम इस वीडियोस वाली स्लाइड के साथ लिंक कर रहे हैं तो आप इसे ओके कर दें। आप यही वाला लिंक यहाँ से कॉपी करके इसी तरह से नोट्स के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे एडिट लिंक पे, यहाँ से आप थर्ड वाली स्लाइड पे नोट्स पे आ जाएंगे तो आप इसे ओके कर दें। तो ये जो आपके पास थर्ड वाला पेज है, ये जो थर्ड वाला टेक्स्ट है ये थर्ड स्लाइड के साथ लिंक है सर, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर दें कॉन्टेक्ट्स के साथ। आप यहाँ पर जाएंगे इसे आपने एडिट लिंक करना है और आपने फोर्थ वाली स्लाइड के साथ कॉन्टेक्ट्स को ऐड कर देना। तो आप इसके अंदर ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सारी की सारे लिंक हो गए हैं सारी स्लाइड्स के साथ। अच्छा, अब ये वाले जो आपके पास है ना इनमें आप आउटलाइंस जो है ना इसको आप नो फिल कर दें, आपके पास जो भी कलर्स हैं आप इसको सॉरी नो आउटलाइन पे करते हैं और ये आप यहाँ से इसको कॉपी करके नेक्स्ट वाली स्लाइड्स के ऊपर पेस्ट करते हैं। ये आपके पास ना लिंक्स प्लेस होते हैं। इसी तरह से आपके पास ये वाला जो टैब है इसके अंदर आप लिंक कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लेट्स से कि आपने एक और नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट करवानी है नई, उसके अंदर आपने नई पिक्चर्स करनी है और फिर आप इस वाले को फिल कर देंगे और इसको अनफिल कर देंगे और आप ये वाला जो आपके पास एरो है इसके ऊपर इसी तरह से आप हाइपर लिंक इंसर्ट करवाएंगे और फिर आपके पास ये वाली जो स्लाइड्स है उनके साथ वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसको एक बार चेक करते हैं, आप इसको
प्रेजेंटेशन व्यू में लेके आएंगे आप, तो ये आपके पास फर्स्ट वाली जो है, आप इसके ऊपर जैसे ही कर्सर लेके आते हैं तो ये आपके पास होम, आप देखें ये हैंड के ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं से लिंक हुआ है। आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अभी हम होम पे ही है। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें वीडियोस के ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट वाली स्लाइड आ गई है और इसके ऊपर सारी फंक्शनलिटीज हैं। जैसे आप यहाँ से वीडियो को प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे बस टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, तो ये आपके पास फुल स्क्रीन फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ से कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जाए तो आप लास्ट वाली स्लाइड में कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आ गए। आप इस वाली स्लाइड में अगर देखें तो ये आपके पास हाईलाइटेड वाला ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। आप यहाँ से होम पे जा सकते हैं, होम वाला फिर यहाँ पे आपके पास हाईलाइटेड आ जाएगा। आप नोट्स में जा सकते हैं, ये आपके पास नोट्स है। इसी तरह से आपके पास ये बैक और नेक्स्ट की जो बटन्स हैं, इन बटन्स के ऊपर भी आप हाइपरलिंक्स इंसर्ट कर सकते हैं और इसको नेक्स्ट स्लाइड से या किसी भी दूसरी स्लाइड से लिंक कर सकते हैं। आपके पास ये एप्लीकेशन बन गई है, इस एप्लीकेशन को आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसी एप्लीकेशन को यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन बनानी है, वो एप्लीकेशन आपने एंड्रॉइड के लिए बनानी है, तो आप यहाँ पे स्लाइड्स में जाएंगे, आपके पास इसके अंदर यहाँ पे आपके पास डिजाइन की ऑप्शन है, आप डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास स्लाइड साइज आ रहा है। इस स्लाइड साइज को आप अगर कस्टम साइज पे जाए तो आपके पास ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाती है कि आपने इसको लैंडस्केप में लेना या पोर्ट्रेट स्टाइल में लेना है। अगर आप इसे पोर्ट्रेट स्टाइल में करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ना ये वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये देखें ये आपके पास बिल्कुल इसी तरह से आ गया जैसे आपके पास एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन होती है, तो आप इस एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन को भी उसी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे आए, इंसर्ट करवाएं, आपके पास शेप्स हैं सारी की सारी, यहाँ पे आप अपनी जो आपके पास बार है टैब की वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप हेडर्स लगा सकते हैं, आप फुटर्स लगा सकते हैं और यहाँ पे आप बिल्कुल एज इट इज उसी तरह से काम कर सकते हैं इसके अंदर जैसे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए कर रहे होते हैं।